जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे तो आपको ये रहेगा कि यार इनके नीचे हमारे बाबूजी की अस्थियां थी और उन अस्थियों का अंश इस पेड़ के अंदर है। यानी हमारे पिताजी आज भी हमारे सामने इस पेड़ के अंदर विराजमान है। तो आपको तय करना है कि आपको उस रास्ते पर चलना है जिस पर वो लोग ले जाते हैं जिन्होंने हमें हजारों साल तक गुलाम बना के रखा। भगवतो अरहतो भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयामपि बुद्धं शरणं गच्छामि साधु 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 साधु। अर्थात जो मैंने बोला अब मैं उसको हिंदी में समझाऊंगा, क्योंकि ये जो हम जो संस्कार करवाते हैं पंडितों से वो क्या बोलते हैं हमें समझ नहीं आता। वो क्या बोल गए क्या नहीं बोल गए चाहे हमारे खिलाफ ही बोल गए हमें नहीं पता चलता, लेकिन बुद्ध धर्म में जो बोला जाता है उसको समझाया जाता है। तो पहले मैंने बोला नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, यानी मैं उस भगवान तथागत बुद्ध को जिन्होंने राग द्वेष लोभ मोह और अहंकार को जीत लिया मैं उन तथागत बुद्ध को नमस्कार करता हूँ। तो ये नमस्कार हमने तीन बार किया। फिर हमने दूसरा बोला बुद्धंग शरणंग गच्छामि। बुद्धंग शरणंग का मतलब बुद्ध का मतलब है बुद्धि से ज्ञान से, यानी मैं ज्ञान की शरण में जाता हूँ मैं बुद्धि की शरण में जाता हूँ। दूसरा हमने बोला धम्मंग शरणंग गच्छामि। धम्म का मतलब होता न्याय, शरणंग मतलब शरण, गच्छामि मतलब जाता हूँ, यानी कि धम्मंग शरणंग गच्छामि मैं न्याय की शरण में जाता हूँ। और तीसरा हमने बोला संघं शरणं गच्छामि। लेकिन यहाँ आप अगर 20-30 साल बाद भी आओगे तो आपको यह रहेगा कि हमारे पिताजी की हमारे बाबूजी की हमारे भाई की यहाँ अस्थियाँ हैं। और ये जो पेड़ है जिससे आज हम फल खा रहे हैं, यहाँ हम जामुन खा रहे हैं, वहाँ से कटहल की सब्जी खा रहे हैं, जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे तो आपको ये रहेगा कि यार इनके नीचे हमारे बाबूजी की अस्थियाँ थी और उन अस्थियों का अंश इस पेड़ के अंदर है। यानी हमारे पिताजी आज भी हमारे सामने इस पेड़ के अंदर विराजमान है। हमें इसको पालना पोसना है, पानी देना है, इसका ध्यान रखना है। और जब ये बड़े होंगे, अब हम और आप शायद ना हों पर जो बच्चे हैं हमारे वो होंगे, उनके उनके बच्चे होंगे, वो आएंगे यहाँ आया करेंगे। साल में वैसे नहीं आते, कम से कम एक साल में पिताजी को याद करने के नाम पे आ जाएंगे। और यहाँ आके जब वो पुष्प चढ़ाएंगे और यहाँ पेड़ के फल खाएंगे तो उन्हें ये रहेगा कि हमारे दादाजी के नाम से पेड़ लगा, इसमें हमारे दादाजी की अस्थियाँ हैं। तो ये ऐतिहासिक चीज़ है, यहाँ का है। तो आपको तय करना है कि आपको उस रास्ते पर चलना है जिस पर वो लोग ले जाते हैं जिन्होंने हमें हजारों साल तक गुलाम बना के रखा, पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश रखी, व्यापार पर धार्मिक बंदिश रखी, इंसान का दर्जा भी नहीं दिया, है ना, जानवर से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर किया। एक तो ये कि हम उनके बताए रास्ते पर चले और जिंदगी भर गुलाम रहे हैं। तो आज हमें उस गुलामी से हर तरह से मुक्ति मिल गई, क्योंकि हम लोग इस तरह गुलाम बना दिए। हम लोग जन्म से लेकर मरने तक के सारे संस्कार करवाते हैं और उनसे करवाते हैं जिन्होंने हमारी दशा की है। आज हम अपने संस्कार खुद कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं जो ऐतिहासिक है, जिसको 20-30 साल बाद भी आएंगे बच्चे याद करेंगे। तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ और अपनी श्रद्धांजलि अपने श्रद्धा सुमन में पिताजी को अर्पित करता हूँ। अब ये माला आप दे दें, आप भी चढ़ा दो, बच्चों से चढ़वा दो, हम भी हाथ लगा, सभी लगा दो हाथ इसमें, बस हाथ से चढ़ा देंगे हम लोग, हाथ लगा देते हैं इसमें, हाथ लगा ठीक है, सब लोग हाथ लगा दो, मैं हाथ लगा सकते हैं।
लगाओ फिर सब लोग हाथ जोड़ लेंगे, मैं जो बोलूंगा मेरे साथ बोलेंगे सब। सब्बे सत्ता सुखी हंतु सब्बे हवंतु चखे मिनो सब्बे भद्राणी पश्यंतु महाकिंच दुख महागमा। सब्बे सत्ता सुखी हंतु सुखी सब्बे हवंतु चखे मिनो सब्बे भद्राणी पश्यंतु महाकिंच दुख महागिना। सब्बे सत्ता सुखी हंतु सब्बे हंतु चखे मिनो सब्बे भद्राणी पश्यंतु महाकिंच दुख महागिना। साधु साधु साधु। अभी हमने तीन बार जब हम कोई संस्कार करते हैं, चाहे शादी का संस्कार हो या कोई और संस्कार हो, लास्ट में फिर हम लोग मंगल कामना करते हैं। अभी हमने जो तीन बार बोला है मंगल कामना की है कि इस संसार में ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो जमीन पे हैं, चाहे पानी में हैं, समुद्र में हैं, या हवा में हैं, या आकाश में, सभी प्राणी खुशी रहें, सबका मंगल हो, सब सुख से रहें, सबके लिए हमने मंगल कामना की। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।